हे भाई लोग, वेलकम बैक माई अदर वीडियो। दोस्तों, अभी जो प्रीव्यू में आपने वीडियो देखा, तो नवरात्रि अकॉर्डिंग अभी एसी इफेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो गाइस, एसी एडिटिंग के लिए हम 3 एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। तो आपको जो PNG मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हो। PNG सिर्फ यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, बस एक साइड ही आपको यूज़ करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, इमेज साइज में जाना है और यहाँ पर 9x16 आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, आप देख सकती हो, यहाँ पे हो गया। देन ओके कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट है, इस पर डबल टैप करेंगे, यहाँ से इसे क्लियर करेंगे। और जो साइड ही आप यहाँ पे लिखना चाहते हो उसे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 लाइन साइड ही ले लिया हूँ, एक तो मैं इसे लिख लेता हूँ। देन ओके करते हैं। अभी इसे थोड़ा छोटा कर देंगे और 2 लाइन में ही इसे कर लेंगे। 2 लाइन में रहेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप चाहे तो 3-4 लाइन में भी रख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। बस यहाँ पर इस तरह से आपको इसे एडजस्ट करना है। इसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, फ्रॉम गैलरी में जाइएगा। गैलरी में जाने के बाद गए, यहाँ पे मैंने 2 PNG का यूज़ किया जो मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। फर्स्ट PNG ये वाला है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस PNG को भी आप ले लीजिएगा, जो कि कुछ इस तरह से यहाँ पे रख लीजिएगा। और गए, इस टाइप के आपको काफ़ी सारे टेक्स्ट मिल जाते हैं। अगर हम लिखते तो इसे भी एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता, बट इसीलिए मैंने PNG ले लिया, क्योंकि नवरात्रि अकॉर्डिंग PNG काफ़ी सारे गूगल पर आपको मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, तब चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और ये वहीं का जो फेस वाला है PNG, इसे भी ले लीजिएगा। लेने के बाद इसे यहाँ पे सेट कर दीजिएगा कुछ इस तरह से, जैसा देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कर दिया। करने के बाद गाइस, आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, इस पर टैप करके आ जाइएगा कलर वाले ऑप्शन में। कलर वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे इसे इनेबल कीजिएगा, कुछ इस तरह से आएगा। तो ग्रेडिएंट पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करना प्लस पे क्लिक कीजिएगा, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको कहना है इसे इस सामने से कर लेना है और इसे इस सामने से कर देना है, एकदम सामने सामने रख लीजिएगा। फिर फर्स्ट वाला किसी एक पे क्लिक कीजिएगा, ये कलर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस पर, और ये कलर वाले ऑप्शन टैप कर लीजिएगा। टैप करने बाद कोई सा भी एक कलर रखिएगा, पूरी तरह से अच्छे से रख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने रख लिया। फिर सेकेंड वाले, ये वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए, कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दूसरा कलर रख लेंगे। तो मैं यहाँ पे रेड वाला रख लेता हूँ, फुल रेड करके ओके करता हूँ। इसे बराबर कर देते हैं, अभी यहाँ पे कर देंगे ओके। तो देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो गया। आप चाहे तो मैया का जो फेस है उसे भी चेंज कर सकते हैं, बट मैं इसे रखता हूँ क्योंकि इसमें अलग अलग कलर पहले से यूज हुआ है। अब नीचे जो टेक्स्ट है, इसे सेलेक्ट करेंगे, ए वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और इस साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट दिखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप हिंदी में जो भी फॉन्ट लेना चाहे उस फॉन्ट को ले सकते हैं। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे फॉन्ट मिल जाते हैं, या फिर अलग से आप फॉन्ट को एडिट करना चाहें तो उसे भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो आप कोई अच्छा सा फॉन्ट ले लीजिए, जैसे मैं ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ। देन यहाँ पे ओके कर देंगे, तो फॉन्ट हमारा चेंज हो गया। अब इसे थोड़ा सा छोटा कर देंगे कुछ इस तरह से रख लेंगे यहाँ पे। और अब आपके यहाँ पे क्या करना है, इसका कलर जो है उसे एडजस्ट करना है। तो उसके लिए इस साइड में स्क्रॉल कीजिएगा यहाँ पे इस साइड में, और कलर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ ग्रेडिएंट में जाएंगे। ग्रेडिएंट में जाने के बाद यहाँ पे कलर जो हम अभी लिए थे ऊपर में, ये कलर यहाँ पे भी हमें मिल जाएगा। तो इस कलर को यहाँ पे ले लीजिएगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करके और इस साइड में इसे कर दीजिएगा और इस साइड में इसे कर दीजिए, या फिर आप कलर भी चेंज करना चाहे तो कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। बस अपने अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है। तो नवरात्रि दुर्गा जी का जो रेड वाला होता है वही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ओके करते हैं। तो इस तरह से कुछ इंटरफेस आ गया, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब गाइज, आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे शैडो वगैरह देना चाहिए तो दे सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिएगा। और ये डॉल लेयर जो है, इस पर क्लिक करके ट्रांसपेरेंट कर लीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एज इमेज कर लीजिएगा। देन यहाँ पे जो कस्टम लिखा है उस पर क्लिक करके यहाँ पे अल्ट्रा कीजिएगा, देन सेव टू गैलरी कर दीजिएगा। यहाँ से सेव हो गया, हमारा काम यहाँ का खत्म हो गया। अब नेक्स्ट एडिटिंग जो हमारा है एलाइट मोशन में, तो एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। दोस्तों, एलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पे बस थोड़े टाइम का एडिटिंग है तो जल्दी से हो जाएगा। प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, 9x16 सेलेक्ट करेंगे, रेजुलेशन 1080 रखेंगे, फ्रेम रेट 60 या 30 भी रखते हैं, बैकग्राउंड लाइट ग्रे रखिएगा और की डेट पर क्लिक कर लीजिएगा। अभी प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा। जो PNG अभी आप बनाकर लाए हैं उस PNG को आपको यहाँ पर ले लेना है, तो ये वाला PNG हम बनाकर लाए हैं तो इसे ले लिए। लेने के बाद इसे एडजस्ट कर लीजिएगा सेंटर में एकदम से, और यहाँ से बैक अगर बॉर्डर एंड शैडो का जो ऑप्शन मिलेगा इस पर जाकर शैडो में जाएगा, इसका शैडो ऑन करके इसे जीरो कर दीजिए, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, जीरो कर दीजिएगा पूरी तरह से। देन यहाँ से बैक आ जाएगा। बैक आने के बाद इसके ड्यूरेशन को आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से इस घड़ी वाले आइकन का भी क्लिक करके बढ़ा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई सॉन्ग हो तो ले लीजिएगा। मैं नॉर्मली कोई भी सॉन्ग तब तक के लिए लगाकर इसे 15 सेकेंड पर लाकर कट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 15 सेकेंड पे हम रख लेते हैं। फिर इस PNG को सिलेक्ट करके आगे खींच लेंगे, सॉन्ग को सिलेक्ट करेंगे, सॉन्ग को यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब ये जो PNG है इस पर हमें इफेक्ट देना है, तो PNG को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद गाइस, इसमें क्या करना है, सबसे पहला इफेक्ट में जाकर एड इफेक्ट पर क्लिक करना है और डिस्टॉर्शन वाप में क्लिक करके नीचे आकर वेव वाप को सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग ये तो कंपलसरी हो गया, सभी एडिटिंग में हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे की लगाइएगा, लास्ट में जाकर की लगाइएगा, लास्ट वाले को यहाँ पे 3.00 कर दीजिएगा, ठीक है। ये तो आपको कंठस्थ हो ही गया होगा, इसका इफेक्ट तो हम कई दिनों से यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यू। स्पेसिंग को 2.0 कर दीजिएगा, मैग्नीट्यूड को भी 2.0 कर लीजिएगा।
अभी वेब ऐप पे क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा। अभी ऐड फिर पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, सर्च ही कर लेते हैं के ए, ठीक है। तो यहाँ पे कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप धीरे धीरे बोलने में आ जाएगा, अभी बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसे सेलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेंगे, कैलिडोस्कोप के ए आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। यानी इसे सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग में आ जाइएगा। आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक की लगाना है और इसे पूरा फुल कर देना है 24, ठीक है। तो देख सकते कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अभी आपको क्या करना है, मिनिमम 7 सेकंड पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 सेकंड पे ही आ जाते हैं पूरी तरह से, और यहाँ पे भी एक की लगा देंगे जो कि कुछ इस तरह से। तो अभी देख लीजिए कैसा आ रहा है, इस तरह से आ रहा है धीरे धीरे से, और यहाँ से इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। ये मेन यहाँ पे जो मैया का नाक वाला जो पीला वाला है, इसी का इफेक्ट आ रहा है। अब एंगल पर आ जाइएगा, एंगल पर आने के बाद यहाँ पर भी एक की लगा लीजिएगा, ठीक है, और ये 0 पे है ही, रहने देते हैं। अब इसके बाद स्टार्टिंग वाले पर एक की लगा लीजिएगा और स्टार्टिंग वाले को 45 कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 45, ये थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये आगे की तरफ वाला भी यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है। तो 90 करके देखते हैं कैसा लग रहा है, 90 पे भी सही लग रहा है ना, तो 90 ही रहने देते हैं, सही लग रहा है, 90 रख लीजिएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है और मिरर जो है इसे डिसेबल कर देना है। तो अब आप इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। मिरर हटाने के बाद एक बार इसका एडजस्ट करके देखते हैं, स्टार्टिंग में जो 90 के हैं इसे कम करके देखते हैं कितना पे सही आ रहा है या नहीं। तो 45 करके एक बार देख लेते हैं, तो 45 पे कुछ इस तरह से आ रहा है, देख सकते हैं ये सही नहीं लग रहा है, इससे बेटर तो 90 पे ही लग रहा था। तो इसे हम थोड़ा और बढ़ाते हैं, ये सब एंगल का ही कमाल है अपने, इसे जितना पे रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग इफेक्ट आएगा। चलिए 90 ही रख लेते हैं, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो इस तरह से, ठीक है, ठीक है। इसे रहने देते हैं, कुछ इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो कैलिडोस्कोप है, इस पर क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा। अब आपको 7 सेकंड पे ही रहना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पे ड्राइंग एडिट में जाकर ग्लो स्क्रीन को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग करना है। ग्लो स्क्रीन को ओपन करके की लगाना है, की लगाने के बाद इसे 0 कर देना, लास्ट में जाना है, की लगाना है और इसे पूरा 1 पे कर देना है। देन हमारा एडिटिंग फिनिश हो चुका है यहाँ का, बस इसका काम खत्म हो चुका है। तो इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको गाइस क्या करना है, यहाँ पे ऊपर जो एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करके एक्सपर्ट पर क्लिक कर देना है, ये वीडियो सेव हो जाएगा। जब तक ये वीडियो सेव हो रहा है मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप करता हूँ, और गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये सेव हो चुका है, तो ये सेव वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। देन यहाँ से आपको आ जाना है बैक, बैक आने के बाद क्या करना है, VN एप्लीकेशन तो आपके पास होगा ही, एडिटिंग इस पर आप लोग खूब करते हैं, मैं इसका ट्यूटोरियल बहुत कम देता हूँ, तो इसे ले लीजिएगा VN एप्लीकेशन को। ये प्ले स्टोर से ही मैंने डाउनलोड किया था, तो आप प्ले स्टोर वाला भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पर जाकर वो वाला डाउनलोड कर सकते हैं जिसे बोलना अलाउ नहीं होता, ठीक है। प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिएगा, प्रोजेक्ट पर जाइएगा, सॉरी न्यू प्रोजेक्ट में जाइएगा, और यहाँ पे जो वीडियो आप लेकर आए हैं उस वीडियो को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे इस एडो पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके लास्ट में आइएगा तो यहाँ पे आपको वाटरमार्क ब्लैक वाला देखने को मिलेगा, उसे हटा दीजिएगा, मेरे में नहीं दिख रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब गाइस क्या करना है, यहाँ पे इस साइड में आपको आ जाना है 7 सेकंड पे, ऊपर यहाँ पे टाइमिंग आपको शो करता है तो इसे देख लीजिएगा। तो 7 सेकंड पे हम बीट लगाए थे तो उतना पे आ जाएंगे, ठीक है, 7 सेकंड पे, ये रहा थोड़ा सा बस यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे स्प्लिट वाले ऑप्शन पे टैप कर दीजिए तो ये कट जाएगा, ये स्प्लिट जो है आप कैंची वाला देख सकते हैं इस पर, और फिर ये दोनों के बीच में एक प्लस दिखेगा, इस पर टैप कर दीजिएगा। टैप करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको सेक 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो सेक 1 देखने को मिला इसे यूज कर लीजिए तो कुछ इस तरह से आएगा। इसमें कई सारे इफेक्ट आपको मिलते हैं, जितनी बार टैप कीजिएगा उतना ये चेंज होता जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से ये चेंज होता जाएगा। तो आपको जो भी चाहिए उसे ले सकते हो, तो मैं फर्स्ट वाला ही रख लेता हूँ। इसका ड्यूरेशन जो है आप बढ़ा घटा कर सकते हैं, बट 0.80 ही रहने देते हैं, देन राइट क्लिक कर लेंगे। तो अभी ये कुछ इस तरह से आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा आगे, जब ये अस्थिर हो जाता है यहाँ पे, तो आने के बाद एफएक्स पे क्लिक कर लीजिएगा, तो आपके सामने काफ़ी सारे एफएक्स भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ पे स्प्लिट 1 करके एक इफेक्ट मिलता है, देख लेते हैं, सॉरी स्प्लिट नहीं, फ्लैश 1 होगा, ठीक है, इसे देख लेते हैं यहाँ पे, ये रहा फ्लैश
तो फ्लैश को सिलेक्ट कर लीजिए, कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे और भी है, काफ़ी सारे हैं, तो आपको जो भी पसंद आए उसे आप ले सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे हैं बट मैंने यूज़ किया था फ्लैश वन को, ठीक है। इसे करने के बाद ये वाला जो पॉइंटर है इसे लेकर आगे तक खींच दीजिएगा, देन राइट क्लिक कर लीजिएगा, तो आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये आया और फ्लैश थोड़ा सा मारेगा यहाँ पर और फिर धीरे धीरे से इस तरह से ये चला जाएगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका सॉन्ग लगा हुआ होगा वीडियो में तो पहले ही वीडियो ऐड करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लीजिएगा, ताकि जो कट पीस हम किए हैं तो उससे सॉन्ग को कोई फर्क न पड़े। अब ऊपर जो ब्लू वाला आइकन देख रहे हैं इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, राइट क्लिक कर दीजिएगा। ये वीडियो काफ़ी जल्दी सेव हो जाएगा आपके गैलरी में, तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। नवरात्रि के अकॉर्डिंग आपका दिन शुभ होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।